नमस्कार। 2018 की यह पहली मन की बात है और दो दिन पूर्व ही हमने गणतंत्र पर्व को बहुत ही उत्साह के साथ और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 10 देशों के मुखिया इस समारोह में उपस्थित रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आज श्रीमान प्रकाश त्रिपाठी ने नरेंद्र मोदी ऐप पर एक लंबी चिट्ठी लिखी है और मुझसे बहुत आग्रह किया है कि मैं उनके पत्र में लिखे गए विषयों को स्पर्श करूं। 1 फरवरी को अंतरिक्ष में जाने वाली कल्पना चावला की पुण्यतिथि है। कोलंबिया अंतरिक्षयान दुर्घटना में वो हमें छोड़कर चली गई, लेकिन दुनिया भर में लाखों युवाओं को प्रेरणा दे गई। मैं भाई प्रकाश जी का आभारी हूं कि उन्होंने अपनी लंबी चिट्ठी में कल्पना चावला की विदाई से प्रारंभ किया है। यह सबके लिए दुख की बात है कि हमने कल्पना चावला जी को इतनी कम उम्र में खो दिया, लेकिन उन्होंने अपने जीवन से पूरे विश्व में, खासकर भारत के हजारों लड़कियों को यह संदेश दिया कि नारी शक्ति के लिए कोई सीमा नहीं है। इच्छा और दृढ़ संकल्प हो, कुछ कर गुजरने का जज्बा हो, तो कुछ भी असंभव नहीं है। यह देखकर काफी खुशी होती है कि भारत में आज महिलाएं हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रही हैं और देश का गौरव बढ़ा रही हैं। प्राचीन काल से हमारे देश में महिलाओं का सम्मान, उनका समाज में स्थान और उनका योगदान यह पूरी दुनिया को अचंभित करता आया है। भारतीय विदुषियों की लंबी परंपरा रही है। वेदों की ऋचाओं को गढ़ने में भारत की बहुत सी विदुषियों का योगदान रहा है। लोपा मुद्रा, गार्गी, मैत्रेयी, न जाने कितने ही नाम है। आज हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, लेकिन सदियों पहले हमारे शास्त्रों में, स्कंद पुराण में कहा गया है, दशपुत्र समाकन्या, दशपुत्रान प्रवर्धयन, यत् फलम लभते मर्त्य तत् लभ्यम कन्या इय कया। अर्थात एक बेटी 10 बेटों के बराबर है। 10 बेटों से जितना पुण्य मिलेगा, एक बेटी से उतना ही पुण्य मिलेगा। यह हमारे समाज में नारी के महत्व को दर्शाता है और तभी तो हमारे समाज में नारी को शक्ति का दर्जा दिया गया है। यह नारी शक्ति पूरे देश को, सारे समाज को, परिवार को एकता के सूत्र में बांधती है। चाहे वैदिक काल की विदुषियां लोपा मुद्रा, गार्गी, मैत्रेयी की विद्वत्ता हो, या अक्का महादेवी और मीराबाई का ज्ञान और भक्ति हो, चाहे अहल्याबाई होलकर की शासन व्यवस्था हो, या रानी लक्ष्मीबाई की वीरता, नारी शक्ति हमेशा हमें प्रेरित करती आई है, देश का मान सम्मान बढ़ाती आई है।